इस मार्च देखिए। पीहू कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारी राह तक रहे थे? नहीं मम्मा, ये आपकी पीहू नहीं है, हमें आपकी पीहू। तुम कौन हो? आमी पीहू बोस। नाना आमी पीहू बोस। नहीं पीहू बोस हमें। कुल एक जैसे शक्ल की दो पीहू, कौन है असली और कौन है उसकी हम शक्ल? वक्त ने खेला है एक अनोखा खेल। इस मार्च खुलेगा भूतों की जिंदगी का सबसे बड़ा राज। इस पूरे मार्च सिर्फ भूतों पर, हर शाम 6:30 बजे। मालकिन के पैर दबाने का समय हो गया है, दवाई देता हूं। मालकिन आज हम आपका फ्री में पैर दबाएंगे। लगता है मालकिन को दर्द हो रहा है, कस के दबाता हूं। मेरा मुंह था, वो मेरा पैर नहीं था। यू स्टूपिड। ऐसा कोई सोता है क्या? तकिया के उधर सर रखा जाता है, पैर नहीं। अब तकिया के उधर पैर रखोगे तो ऐसा ही होगा ना मालकिन? अभी ये अभी निकलो मेरे कमरे से, ऐसे निकलो मेरे कमरे से। स्टूपिड। पता नहीं पीहू कहां पर है, कोई खबर नहीं है इस लड़की की। आई होप वो ठीक हो। सूरज, सूरज बोलो तो सही। हमारा नाम पीहू है। कैसा है बच्चे? देखो हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, मेरा एक प्लान है। अब मजा आएगा। ये हुआ ना डबल वार, एक घर के अंदर से और एक घर के बाहर से। ये बॉबी रोज रात को कहाँ जाता है? लेक्सी बार। लेक्सी बार क्या होती है? सुना, ये बहुत गंदी जगह होती है, यहाँ पर बच्चे नहीं जाते, ठीक है? डमरू, यार इतनी सुबह सुबह कौन आ गया यार? अरे डमरू कहाँ मर गए तुम? क्या यार, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? जॉगिंग पे गई थी? अरे अपने शरीर को इतनी तकलीफ क्यों दी?
ये क्या कोई घर की नौकर है? हम घर की मालकिन है। कौन है ये? ये हमारे फ्रेंड की बहन है, प्रिंसेस पिया। लखनऊ आई थी तो चार्टी हाउस है ये। हाँ कि कोई भी कभी भी। अच्छा बच्चू, हमारे ही घर में हमें ही धमकी दे रहे हो। आंटी थोड़ा तो साइड हटना, मैं जाना है। एक्सक्यूज मी। व्हाट आंटी? बाय बेबी दी। यस बेबी। हमारा बाथरूम रेडी कर देना। ओ हाँ, नहाने के लिए ना, हॉट या कोल्ड बेबी? वार्म वाटर बेबी दीदी एकदम। वो तो पता ही है ना, हम बस उसी में नहाते और उसके अंदर हमारे सारे फेवरेट टॉय डाल देना। ओ या या या। और बारबी दीदी हमें ना एकदम हॉट सूप पीना है विद ब्लैक पेपर। घर कितना गंदा है, एसी का खराब है। अरे ये क्या बकवास है बॉबी। मैसेज कर देती हूँ, प्लान का पार्ट टू रेडी कर। तो हम दोनों अंदर आ चुके हैं। बॉबी अंधा है, इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्यों घूम रहा है? दारू तू नहीं पी है और चढ़ उड़ मेरे पे हो रहा है? अबे तो अपने पैसे की पी है ना, तू होता कौन है बोलने का? हाँ चल साले ड्राइवर। अबे गाड़ी चलाएगा, मेरे को मारेगा क्या? अरे लीव 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 प्लीज 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 ओ जी ठंड रखो प्लीज। एक्चुअली जी ही इज माय ड्राइवर एंड दैट्स माय कार। आई एम वेरी सॉरी, आई विल पे फॉर योर डैमेज व्हाटएवर इट इज। हां ओए चकला छेती कर। I'm just sorry, very sorry. लो जी, sincere apology. पैसे दे दिए आपने तो बात यहीं खत्म हो जाती है। बड़े अच्छे इंसान हैं आप यहाँ के नहीं लगते आप। कहाँ से आप? हाँ जी, वो क्या जी? I'm new in town. One of my friend told me that I can get a cheap house over here for like 50 crores. Kitna ji? I'm willing to pay up to 75 crores. But you know, house na changa hona chahiye ji. First class. By the way, do you know anyone in real estate business? हाथ मिलाइए आप, हाथ मिलाइए। माय सेल्फ बॉबी खन्ना, आई विल हेल्प यू बाय प्रॉपर्टी। आप बताइए, कोई टेंशन नहीं जी, कर देंगे काम आपका। हैं बढ़िया आदमी हो आप। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। कहाँ मिलते हैं आपके ऐसे लोग हैं रोज रोज। चल यार सॉरी यार, हो जाता है कभी कभी है। Nice to meet you, जी, nice to meet you. जब भी पाओ। Thank you. Plan part two successful. अब हमें कोई नहीं रोक सकता। Ready हो जाओ एक बड़े धमाके के लिए। Yeah, Barbie दीदी, अब हमें हमारे घर वापस मिल जाएगा। बस देखते जाओ, हम उस मोहिनी और उस बॉबी को कितना परेशान करते हैं।
परेशान कर देगा। तुमके नाक पर दम नहीं लाया ना तो हमारा तो तुम्हारा नाम पीहू नहीं बात बनी क्या? बात तो बनी थी, बिल्कुल वही हुआ जो प्लान किया था। अब देखना मैं मोहिनी और बॉबी का क्या हाल करता हूं। हम हेल्प कर दे? नहीं हो जाएगा। लाओ दो पल की क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द है जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं किया? घूर रहे थे हमें। नहीं वो तुम हंस रही थी ना तो जब तुम हंसती हो तो अच्छी लगती हो। जानते हैं पीहू भी यही कहती है बोलती है मम्मा अब जब भी हंसते हो ना एकदम बेबी लगते हो। पीहू कहाँ है? तुम पीहू को अपने साथ नहीं लाए? वो बारबी के साथ हवेली पे। तुम उसे वहां अकेले छोड़ के कैसे आ गए? वो ठीक है ना अनंदिता? ऐसे कैसे ठीक है? अरे हम माँ है उसकी, वहां उसका ध्यान कौन रखेगा और वो टाइम पे खाना खाएगी, कौन उसे खाना देगा? तुम भी ना बहुत केयरलेस हो गए हो, तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है सुबोध। विक्रम तुम सुबोध नहीं तो कौन हो? मैडम आपका ये पिज्जा। थैंक यू। कितने हुए? 800 रुपए। 800 नहीं भैया, पूरे 1000 रुपए रखिए। थैंक यू। अब देखना कि हम इस पिज्जा से कितने कमाएंगे। वो बच्ची तो हो जाएगी अब हमारे चंगुल में, एक एक पैसे की वसूली करेंगे हम, सब पता कर लेंगे इसके परिवार के बारे में। प्रिंसेस पिया देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। पीहू ये तुम्हें इतने अच्छे से क्यों बुला रही है? क्या सरप्राइज होगा पीहू? हमें तो शक हो रहा है कहीं इसको हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। रिलैक्स बारबी दीदी रिलैक्स, ये सब हमारे एक्टिंग का कमाल है। बारबी दीदी उस मोहिनी पोहिनी को ना कभी भी नहीं पता चलेगा, उसे लगता है कि असली में किसी जगह की लिटिल प्रिंसेस है। बारबी दीदी रिलैक्स। Thank God, उन्हें विश्वास होने लगा कि तुम सच में इतनी रिच हो। और उन्हें लग रहा है कि हम लखनऊ में यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं।
अब देखना चमके खातिरदारी करेगी तुम्हारी। ये सब हमारे एक्टिंग का कमाल है, एक्टिंग तो हमारे खून खून में है। पर हमने क्या बोला? प्रिंसेस पिया, प्रिंसेस पिया, ये देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। या डोंट शाउट, कान में लगता है। मम्मा के हाथ के लड्डू के सामने ये मशीन के बने पिज्जा और मशीन के बने पेस्ट्री, बकवास। बेटा कुछ कहा आपने? नो 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 नो, जूस पेस्ट्री, ओ आई लव पिज्जा पेस्ट्री। एक मिनट एक मिनट, हम आपको अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं। हाँ? हाथ साफ है। हाँ देखो कितने क्लीन है। चल खाओ। है ना अच्छा लगा? तो बेटा तुम्हारे पास कितने घर हैं? बस एक ही घर है ये, और कोई घर नहीं है। यही है मतलब? मतलब जिस घर में हम रहते हैं वही अपना हाउस हुआ ना। हाँ तो इसलिए यही हमारा हाउस है। सो क्यूट ऑफ यू। ओके नहीं मेरा मतलब है कि तुम्हारे मम्मी पापा के पास कितने घर हैं? तो बहुत सारे। इतने नहीं, इतने नहीं, इससे ज्यादा बहुत सारे। बहुत सारे घर? अरे इसका मतलब है कि घर तो घर, इनके पास तो बहुत सारे वीकेंड होम्स भी है। यूएसए में, कनाडा में, इंडिया में, तो हर एक स्टेट में एक एक घर है ना प्रिंसेस? या एकदम राइट। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, चलाइए। आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मी को क्या पसंद है? गोल्ड, डायमंड या प्लैटिनम? हमारी मम्मा इसे कुछ भी नहीं पहनती। इसका मतलब है कि सिर्फ सॉलिटेयर पहनती है इसकी मम्मा, इसलिए इसे कुछ और पता ही नहीं है। जब बारबी दीदी बोल रहे हैं मतलब वो यही पहनते हैं। बारबी दीदी का सब कुछ पता है, वो यही पहनती है। हाँ एक्सक्यूज मी, खिलाइए। लगता है पार्टी शार्टी चल रही है। पिज्जा, पेस्ट्री, किससे पूछ के उठा रहे हो तुम? हमने बोला पीछे हटो। स्टूपिड। बेटा तुम्हारे लिए और कुछ मंगवाऊं? नो नो नो, आई एम डन। अरे नो, कम ऑन, वन मोर। अगर वैनिला आइसक्रीम हो जाती तो और भी मजा आ जाता। अरे वो है ना हमारे फ्रिज में, मैं बस लेकर आती हूँ। हाँ आई विल बी राइट बैक। आगे चलो खाओ खाओ। बहुत टेस्टी है। डबरू जी ये सब लोग आपकी इतनी इंसल्ट करते हैं, ऐसे घर में काम क्यों करना चाहते हैं? जब आदमी इतना अपमान सहने के बाद भी अगर कहीं काम करता है ना तो समझ जाइए कि उसके हौसले काफी बुलंद है। और कोई ना कोई ऐसी वजह होती है जो बताता नहीं पर उसे पाने की लालसा रखता है।